हेलो सीएम सीएम सो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी उत्थे पहुंचे ने उन्होंने वालों भी दुख का प्रगटावा किया गया। प्रकाश सिंह बादल के देहांत तो बाद मनोहर लाल खट्टर भी बोले ने उत्थे पहुंचे ने उन्होंने वालों भी जड़ा दुख जाहिर किया गया। कदे ना पूरा होने वाला घाटा जरूर पाया अकाली दल नूं भी ते देश की राजनीति नूं भी वड्डा झटका लग्या। प्रकाश सिंह बादल का थोड़ी देर पहला ही देहांत हो चुकिया ते फोर्टिस अस्पताल दे विच उन्होंने अपने अंतिम साल आए ने 96 साल की उम्र के उन्हों का देहांत होया। केंद्र के वलों 2 दिन के राष्ट्रीय सोग का भी ऐलान कर दिता गया। पीएम मोदी के वलों भी दुख जताया गया। इस नाल ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी दुख जाहिर किया। केंद्र सरकार ने 2 दिन के कौमी सोग का ऐलान किया है। प्रकाश सिंह बादल के देहांत तो बाद 2 दिन के कौमी सोग का ऐलान किया गया। परसों प्रकाश सिंह बादल का अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो थोड़ी देर पहला ही प्रकाश सिंह बादल का देहांत होया तो परसों उन्होंने जोड़ा अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वालों भी दुख जताया गया। ट्वीट करके उन्होंने दुख जाहिर किया। अपनी फोटो भी उन्होंने शेयर की है तो दुख का जोड़ा प्रगटावा किया गया। तो इस ही अरविंद केजरीवाल का भी ट्वीट सामने आया। उन्होंने वालों भी जोड़ा दुख का प्रगटावा किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी दुख जाहिर किया है। तो सीएम भगवंत मान के वालों भी दुख जाहिर किया गया। तो केंद्र सरकार के वालों 2 दिन के कौमी सोग का ऐलान कर दिता गया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी फोर्टिस अस्पताल पहुंचे ने उन्होंने वालों भी जोड़ा अपना दुख जाहिर किया गया। हुणे-हुणे पता लग्या बड़ी दुखदाई खबर मिली है कि सरदार प्रकाश सिंह बादल जी साबका मुख्यमंत्री पंजाब जिहड़े कि अकाली दल दे सरपरस्त भी रहे है उन्हां दा अज देहांत हो गया। बहुत ही दुखदाई गल है। इसने मेरे भी हिरदे नूं टुंबिया है। बड़े दुख लग्या भावें मैं विरोधी धिर दे विच रहा विरोधी पार्टी च रहा है भी हैं लेकिन मैनू एक खास किस्म की उन्हां दी हमेशा इज्जत रही है। वो एक अज किस एक किस्म का एक युग का अज समाप्ति हुई है। तो उन्होंने अकाली दल नूं बहुत तगड़ा किया। उन्होंने पंजाबीयत की गल की पंजाब की गल की बड़े संघर्ष किए पंजाब वास्ते लड़े तो उन्होंने जोड़ा जाना है वो पंजाब नूं नहीं पूरे हिंदुस्तान नूं बहुत घाटा पे। हुणे हुणे पता लग्या बड़ी दुखदाई खबर मिली है कि सरदार प्रकाश सिंह बादल जी साबका मुख्यमंत्री पंजाब जिहड़े कि अकाली दल दे सरपरस्त भी रहे है उन्हां दा अज देहांत हो गया। बहुत ही दुख
दस दिए कि साबका सीएम प्रकाश सिंह बादल का देहांत होया, जिस तो बाद साबका सीएम चरणजीत चन्नी का भी बयान सामने आया। उन्होंने भी जोड़ा दुख का प्रगटावा किया, पीएम मोदी ने भी दुख का प्रगटावा किया, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी दुख जाहिर किया। तो दो दिन के राष्ट्रीय सोग का ऐलान किया गया, केंद्र सरकार ने दो दिन के सोग का ऐलान किया। राष्ट्रीय सोग जोड़ा है दो दिन तक इसका ऐलान किया गया है। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जोड़ा दुख जाहिर किया, इस ही साबका सीएम चरणजीत चन्नी ने भी दुख का प्रगटावा किया। सीएम अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी जोड़ा दुख का प्रगटावा किया, तो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी अपना दुख जाहिर किया। सो प्रकाश सिंह बादल का देहांत होया थोड़ी देर पहला ही, फोर्टिस अस्पताल उन्होंने अंतिम साह लए, तो 96 साल की उम्र उन्होंने देहांत होया, जिस तो बाद उन्होंने समर्थक हूँ अस्पताल के बाहर पहुंचे ने। पुलिस बल में भी उत्थे तैनात किया गया, उन्होंने समर्थक अस्पताल के बाहर पहुंचे ने, तो नारेबाजी जी है की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख का प्रगटावा किया, तो दो दिन के राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वलों जरा दुख जाहिर किया गया, तो केंद्र सरकार ने दो दिन के राष्ट्रीय सोग का ऐलान किया। प्रकाश सिंह बादल के देहांत तो बाद राष्ट्रीय सोग का ऐलान केंद्र सरकार के वलों किया गया। 96 साल की उम्र प्रकाश सिंह बादल ने दुनिया नूं अलविदा कहा। 8 दिसंबर 1927 को बठिंडा के पिंड अबुल खुराना के उन्होंने जन्म होया। 25 अप्रैल 2023 उन्होंने अपना 23 तक अपना यह सफ़र पूरा किया। 5 वारी पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल रह चुके ने, 5 वारी मुख्यमंत्री रहे ने, 25 साल तक उन्होंने पंजाब से राज किया है। 5 बार मुख्यमंत्री रहे ने, मुख्यमंत्री की कुर्सी 5 वारी संभालिया है। तो दस दिए कि 11 वार विधायक भी रहे ने, 5 वार मुख्यमंत्री रहे ने, 1 वारी केंद्रीय मंत्री रहे ने। 1947 तो सियासी करियर की प्रकाश सिंह बादल की शुरुआत हुई। 1947 तो सियासत के उन्होंने कदम रखिया, सियासत की शुरुआत 1947 तो हुई सी, जिते सियासी करियर उन्होंने 1947 के शुरू होया। तो पिंड बादल के सरपंच से ब्लॉक समिति लंबी के चेयरमैन भी रहे ने। दस दिए कि पिंड बादल के सरपंच से ब्लॉक समिति लंबी के चेयरमैन भी प्रकाश सिंह बादल रहे ने। वड्डी शख्सियत सी, ते उन्हां दा देहांत हो जाना है वड्डा घाटा, जिहड़ा कदे ना पूरा होने वाला घाटा जरूर पिया। 1957 दे विच पहली बार विधानसभा चोणा उन्होंने जितिया सी, 1957 दे विच पहली बार विधानसभा की चोणा उन्होंने जितिया सी। 5 वारी मुख्यमंत्री रहे ने, 11 वारी विधायक रहे ने, 1 वारी केंद्रीय मंत्री भी प्रकाश सिंह बादल रह चुके ने। दसिए कि 1 वारी केंद्रीय मंत्री रहे ने, 5 वारी मुख्यमंत्री रहे ने, 11 वारी विधायक भी रहे ने, 1 वारी केंद्रीय मंत्री रहे ने। तो प्रकाश सिंह बादल का देहांत हो जाना अकाली दल के लिए वड्डा झटका, इस नाल ही देश की राजनीति में भी यह वड्डा झटका लग्या। तो श्रोमणी अकाली दल के सरप्रस्त भी प्रकाश सिंह बादल रहे ने, सरप्रस्त इन्हों जोड़ा श्रोमणी अकाली दल के सरप्रस्त रहे ने। सो 8 दिसंबर 1927 तो लैके 25 अप्रैल 2023 तक उन्होंने अपना यह सफ़र पूरा किया, तो दुनिया नूं अलविदा कह गए। थोड़ी देर पहला ही प्रकाश सिंह बादल का देहांत होया, तो फोर्टिस अस्पताल के बाहर उन्होंने समर्थक भी पहुंचे ने। सीधियां तस्वीरां मोहाली तो ने, जिथे पुलिस बल नूं भी तैनात किया गया, तो वड्डी गिनती दे विच उन्होंने समर्थक उत्थे पहुंचे ने। नारेबाजी प्रकाश सिंह बादल की याद नूं लैके की जा रही है।